की हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक, एंटी भू माफिया SC ST एक्ट सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। रेल प्रशासन ने पहली कॉर्पोरेट IRCTC के माध्यम से लखनऊ जंक्शन नई दिल्ली लखनऊ जंक्शन तेजस एक्सप्रेस सप्ताह में 6 दिन चलाने का लिया निर्णय। गोरखपुर में मिली तेजस एक्सप्रेस की झलक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सप्ताह पर वन टांगिया गांव में आयोजित हुआ सहभोज कार्यक्रम, सदर सांसद रवि किशन ने तीनों वन टांगिया गांव को लिया गोद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख सचिव नगर विकास ने किया जिले के विकास कार्यों की समीक्षा, RGRS के मामलों के त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई मंडलीय विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक आनंद प्रकाश की पदोन्नति, बने पश्चिम मध्य रेलवे जयपुर के महाप्रबंधक। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले कार्य योजना को लेकर ADM सिटी की अध्यक्षता में हुई बैठक, 14 नवंबर को प्रस्तावित सामूहिक विवाह की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। ODF प्लस के तहत सामाजिक व्यवहार परिवर्तन एवं संचार पर 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के महारानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास में नवनिर्मित मेस का कुलपति ने किया उद्घाटन, मेस में गुणवत्ता युक्त भोजन का रखा गया है ख्याल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सप्ताह पर उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह ने जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को किया फल वितरण, पूछा मरीजों का हाल। गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ द्वारा दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर एकात्मता सप्ताह के दूसरे दिन एकात्म मानव विकास का एक मार्ग विषय पर आयोजित किया गया वाद विवाद प्रतियोगिता। जिला चिकित्सालय गोरखपुर के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने 3 घंटे का किया कार्य बहिष्कार, संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने आंदोलन का किया ऐलान। SC ST OBC के छात्र छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति न मिलने के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन, जताया विरोध। और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन, जताया विरोध।